या ये भी कर सकते हैं कि यूनियन को और मजबूत कैसे करना है उसके लिए कुछ सलाह देना चाहते हैं। जो भी आप बात करना चाहते हैं बहुत संक्षेप में पॉइंट टू पॉइंट खड़े होकर आप महामंत्री जी को बताएं, ये आपके लिए एक अच्छा अवसर है ताकि महामंत्री जी फिर उस पर आपको जवाब और बोलिए उस पर हम लोग बात करें। तो मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि हम अपनी बात शुरू करें आप लोगों के दिमाग नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन अजमेर मंडल के तत्वाधान में आज रेलवे की सबसे मेहनतकश संवर्ग जो कि रेल लाइनों पर गर्मी सर्दी बरसात तपती हुई धूप 50 से ज़्यादा डिग्री टेम्परेचर में भी लगातार लाइनों की रखरखाव का काम करता है, ऐसे हमारे प्रिय साथी ट्रैक मेंटेनर्स की आज हम लोगों ने अजमेर के यूनियन ऑफिस के सभागृह में एक सेमिनार रखने का काम किया, खुला संवाद रखने का काम किया। और इस सेमिनार में हमने हमारे यूनियन के महामंत्री आदरणीय मुकेश माथुर जी को मुख्य वक्ता के रूप में बुलाने का काम किया और अजमेर मंडल के आबू रोड, फालना, मारवाड़, ब्यावर, नसीराबाद, भीलवाड़ा, मावली, कामली घाट, उदयपुर खंड से लगभग 200 से अधिक की संख्या में ट्रैक मेंटेनर साथी इस सेमिनार में उपस्थित हुए। उन्होंने अपने संवर्ग में अपनी कैटेगरी में क्या समस्याएं हैं, फील्ड में उन्हें क्या तकलीफें आती हैं, उनके संवर्ग में कार्यदशा में वो क्या सुधार चाहते हैं, उन्हें सीधे सीधे तौर पर हमारे महामंत्री को बताने का काम किया। और उसके बाद हमारे महामंत्री जी ने एक एक करके सभी ट्रैकमैन साथी जिन्होंने अपनी बात रखी, समस्याएं बताने का काम किया, उन्हें उनके जवाब देने का काम किया और फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से पूर्व में इस कैटेगरी की क्या स्थिति थी, धीरे धीरे संघर्ष के बाद ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन NWRU के सतत प्रयास के बाद क्या इसमें सुधार हुए हैं, किस तरीके से यूनियन इस कैटेगरी को सुविधाएं दिलाने के लिए, इसकी कार्यदशा में सुधार कराने के लिए क्या क्या काम कर रही है, आने वाले समय में हमारे क्या मांगे हैं इस कैटेगरी के लिए, इन तमाम बातों को बहुत सुंदर तरीके से बताने का काम किया गया है। और लोगों से बहुत नज़दीकी संवाद बनाने का काम किया गया है और ये यूनियन का सदैव प्रयास रहा है कि जिन रेल कर्मचारियों के बीच हम रहकर अपनी यूनियन को चलाने का काम करते हैं, तमाम कर्मचारियों में इस बात का विश्वास होना चाहिए कि ये वो यूनियन भी हमारे प्रति उतनी ही गंभीर है। इस मुद्दे को लेकर हमने इस सेमिनार का आयोजन किया है। इसमें मुख्य रूप से जो ट्रैकमैन लाइन पर काम करते हैं, पहले तो जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इन्हें बहुत निम्न तबके का कर्मचारी मानते हुए उनको प्रताड़ित करने का काम करते हैं, जिसका हम लोग कड़ा विरोध करते हैं और प्रशासन की भर्त्सना भी करते हैं। साथ ही साथ अभी इनकी आज के समय में इनकी सबसे बड़ी जो प्रमुख मांग है वो है LDC ओपन टू ऑल, अर्थात ट्रैक मेंटेनर्स को भी, जो कि आजकल शिक्षित बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं, उन्हें ये मौका मिलना चाहिए कि वो एग्ज़ाम के माध्यम से, लिखित परीक्षा के माध्यम से उन्हें ये अवसर हो कि वो अन्य किसी भी ग्रुप सी कैटेगरी के अंदर एग्ज़ाम देकर और वो पदोन्नति प्राप्त करने का काम करें, जो वर्तमान में इनको ये एक अवसर कम मिला हुआ है, जिसके लिए हमारे महामंत्री जी ने उन्हें अवगत कराने का काम किया कि ऑल इंडिया रेलवे मैंस फेडरेशन बहुत ताकत के साथ राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठा रही है और आने वाले समय में
गारंटी लेकर हम ये बात यहाँ पर कहने वाले हैं कि ये ओपन एलडीसी ओपन टू ऑल की मांग भी इन साथियों की ये यूनियन जरूर पूरी कराने का काम करेगी। अरुण गुप्ता, मंडल सचिव, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन।